लकी का बचपन बहुत गरीबी में बीता। लकी की माँ गरीबी के कारण दुनिया छोड़कर चली गई। लकी की माँ ने मरने से ठीक पहले लकी से वादा लिया कि वो इतने पैसे कमाएगा, इतने पैसे कि दुनिया उसे गरीब फटीचर नहीं लकी भाई कहकर बुलाए। लकी आज 21 साल का हो गया था, लेकिन उसकी गरीबी का स्ट्रगल अभी भी चल रहा था। बड़ा आदमी बनने के लिए लकी ने बड़ी मुश्किल से दिल्ली के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन करा लिया था, लेकिन ये गरीबी थी कि उसका पीछा छोड़ ही नहीं रही थी। लेकिन लकी का एटीट्यूड किसी रईस करोड़पति से कम नहीं था। लकी फटे कपड़े पहनता था, साइकिल से कॉलेज आता था, लेकिन अपने आप को किसी अरबपति से कम बिल्कुल नहीं समझता था। ओए फटीचर, जितना एटीट्यूड रखता है उतना दिखाया भी कर। फटीचर होगा तेरा बाप, देखना बहुत जल्द मेरे पास इतने पैसे होंगे कि तेरा बाप मुझसे सबके सामने लकी भाई कहकर बुलाएगा। और रही बात एटीट्यूड की, तो मेरे जैसे एटीट्यूड रखने के लिए पैसे नहीं जिगरा चाहिए, जिगरा। लकी की इसी एटीट्यूड की दीवानी थी कई लड़कियां, जिसमें से एक थी डिंपल। डिंपल बहुत अमीर थी, लेकिन उसको लकी बहुत पसंद था। लकी भी डिंपल को बहुत प्यार करता था। इनकी जोड़ी देखकर अमीर बच्चे चिढ़ते थे। डिंपल, तू क्यों उस फटीचर लकी के चक्कर में पड़ी है? वो अपने खर्चे तो चला नहीं पाता, तेरा कहाँ से चला पाएगा? देखना कोयल, बहुत जल्दी लकी भी बड़ा आदमी बनेगा। यार, केवल बोलने से कोई बड़ा नहीं बन जाता, उसके लिए काम करना पड़ता है। आज मेरे पापा को देखो, दिल्ली के सबसे बड़े अमीरों में उनकी गिनती होती है। तुम्हारे लकी जैसे सैकड़ों लोग रोज मेरे पापा को सलामी देते हैं। डिंपल भी लकी के अमीर बनने की बातों को सुन सुनकर जाती है और एक दिन उससे ब्रेकअप कर लेती है। लकी उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं सुनती है। फिर जब कॉलेज का एनुअल फंक्शन होता है, तब कोयल के पापा को चीफ गेस्ट में बुलाया जाता है। लकी भी उस फंक्शन को देखने जाता है, उसे सीट नहीं मिलती तो वो क्राउड में खड़ा होकर देखने लगता है। डिंपल लकी को देखकर इग्नोर करती है और उसको चिढ़ाने के लिए अपने अमीर बॉयफ्रेंड राहुल को सबके सामने किस भी करती है। तभी कोयल के पापा चीफ गेस्ट बनकर आते हैं। क्राउड उनको देखकर ताली बजाती है और वो हाई सिक्योरिटी में फंक्शन का उद्घाटन करने स्टेज पर आते हैं। जैसे ही वो ओपनिंग करने वाले होते हैं कि तभी उनकी नजर क्राउड में खड़े लकी पर जाती है और वो भागते हुए लकी के पास पहुंच जाते हैं। ओह माय गॉड, लक्ष्मण लाल अग्रवाल साहब यहाँ इस कॉलेज में? अग्रवाल साहब आइए आइए, आपके सामने मेरी इतनी औकात कहाँ जो इस फंक्शन का उद्घाटन करूँ, आइए आप ही कीजिए लकी भाई। लकी कुछ जवाब नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। इतना देखते ही कोयल और डिंपल के साथ साथ पूरे कॉलेज के होश उड़ जाते हैं। सभी सोच में पड़ जाते हैं, इस फटीचर लकी को कोयल के पापा ने लकी भाई क्यों कहा? क्या सचमुच ये बहुत बड़ा आदमी है? अगर आप भी जानना चाहते हैं कौन है लकी और क्या है इसकी कहानी, तो अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और हिंदी ऑडियो सीरीज में सुनिए इंस्टा मिलियनेयर।